वकील सर यहाँ से प्रपत्र का मोहम्मद सुहेल सर गठित करके भेजे थे विभाग को, लेकिन सर आज तक वो फाइल वहीं पे दबी हुई है, अभी तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस वजह से सर सेविकाओं को जी मुसारी सदर से रिपोर्ट तृप्ति सिन्हा। तो सर 10 सर एक मिनट, वो बोल रहे की कार्रवाई चल रही है, तो कब तक चलेगी? 10 मिनट हो चुका है और कार्रवाई क्या, जब सारा सबूत है तो फिर कार्रवाई क्या है? सर टाइम सर कब तक होगा, कितना होगा टाइम, कब तक? वो सिर्फ ऐसे ही बोलते कि कार्रवाई चल रही है, सबसे पहले यही बात बोलते कि कार्रवाई चल रही है। जी हाँ बताएं, तो बोले कि 10 महीना से कार्रवाई चल रहा है, उनके विरोध में और अब हम लोग को परेशान कर रही है। क्या है यहाँ से हम लोग को हाल में आया है और यहाँ से हम लोग करवाई जल्दी कीजिए, उनसे मिल लीजिए होगा, कब तक हो जाएगा? तो थोड़ा सा करवाई जल्दी नहीं, बहुत बड़ा 10 महीना हो गया है, तो 10 महीना बोल रही है, 10 महीना कभी सबूत है, भारी इतना भारी सबूत है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार रहा सी डी में लेके आई है, और इसमें करवाई जल्दी करवाइए, सी डी भी सब वीडियो आज भी वो वहाँ कैसे चलता। एक बार इनसे कल मिल लीजिए ना सर, हम क्या मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, बुला रहे जाइए, ठीक है मिलने के लिए आज ही चले जाइए, ठीक है जा रहे हैं, हाँ सर भी आपके के लिए ये भी रख लें, ठीक है और ये देखें इधर ये रख लें ना, और जाइए आप मिल लीजिए, सही या कॉपी है पीछे मत कॉपी दे दीजिए और बोलो ना। और 16 मार्च 2018 को हमने पहला आवेदन दिया था, ऑडियो वीडियो पूरा सहित पूरा एविडेंस दिया था, बट आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जिला प्रोग्राम फिर दोबारा मंत्री महोदय तक हमने दिया पत्र, उसमें जिला पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र का गठित करके और विभाग को भेजा गया। विभाग को भेजने के बाद जो सिस्टम है कि अगर किसी पदाधिकारी के ऊपर प्रपत्र का गठित अगर हो जाता है तो कोई ना कोई मतलब तुरंत ही रिजल्ट आता है, तुरंत कार्रवाई होती है, सबसे पहले तो सस्पेंड किया जाता है क्योंकि प्रपत्र का गठित होना कोई मामूली बात नहीं है, और एक नहीं उस CDPO पे दो प्रपत्र का गठित है, इससे पहले भी उनका जो बैकग्राउंड है वैशाली में भी रही है, तो वैशाली प्रमुख के द्वारा उनके ऊपर FIR हुआ था, और रीगा में रही है, रीगा में वो सस्पेंड होकर गए थे इसी लेन देन के मामले में, और यही चीज़ वो यहाँ दिक्कत। वीडियो क्लिप आप लोगों के पास है, उसमें क्या है? वीडियो क्लिप है जो कि हमारे ऑफिस का वीडियो क्लिप है, ऑफिस में जो दलाल बैठते हैं उनके थ्रू, वसूली वो खुद नहीं करते, दलालों के हाथ से करवाती हैं, उस दलाल में बजाबते पैसा लेन देन CDPO के नाम है, मैडम इतना पैसा नहीं, इतना पैसा लेंगे, इतना नहीं, इतना लेंगे, हर वो एक चीज़ है जो कि उन पे कार्रवाई करने के लिए काफ़ी था, लेकिन आज तक पता नहीं क्यों सरकार को क्या हो गई है। हमको तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि प्रधान सचिव या डायरेक्टर के बीच उनका बहुत मधुर संबंध है, जिस वजह से कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, और जिस वजह से यही है कि अब हमारी सेविकाएं आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गई हैं। जिन लोगों ने बयान दिया था, 90 सेविका का बयान है, लोग बोलते हैं कि 2-4 सेविका अगर लिखित बयान दे दे तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो 90 बयान है, लेकिन आज तक 9 मतलब बयान के हिसाब से भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब यही स्थिति है। जनता दरबार में आने के बाद कार्रवाई होगी? जनता दरबार में आए हैं तो सर तो बात की है प्रधान सचिव जी से, अभी उन्होंने हम लोगों को बुलाया है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और अगर वो बात नहीं सुनते हैं, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई उपाय नहीं है।